अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नेक्स्ट जो हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 6 अबाउट किंगडम प्रोकैरियोटी, जिसे हम किंगडम मोनेरा भी कह सकते हैं। बैक्टीरिया के बारे में इसमें डिस्कस करते हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हम बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो बैक्टीरिया हैं वो क्लासिफिकेशन के लिहाज से यू बैक्टीरिया हैं और आर्शी बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो है वो ट्रू बैक्टीरिया कंसिडर किए जाते हैं, जबकि आर्शी बैक्टीरिया जो है वो एंशियंट बैक्टीरिया या ग्रीक वर्ड में एंशियंट बैक्टीरिया जो है वो भी कहा जाता है, यानी यू बैक्टीरिया एंड आर्शी बैक्टीरिया। अब डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं उनको डिस्कस करेंगे और कुछ पोस्टुलेट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे मेनली। तो अगर हम हिस्ट्री को देखें कि इट हैड लॉन्ग बीन सस्पेक्टेड दैट स्मॉल क्रिएचर्स एग्जिस्ट विच आर टू स्मॉल टू बी सीन विद नेकेड आई, बट द डिस्कवरी वॉज लिंक टू द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप अ डच साइंटिस्ट एंटनी वैन लीवन हुक 1673 वॉज द फर्स्ट टू रिपोर्ट द माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। ही यूज अ सिंपल माइक्रोस्कोप टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ विद एक्यूरेट ड्राइंग्स एंड डिस्क्रिप्शंस एंड कॉल्ड दीज स्मॉल क्रिएचर्स एज एनिमलक्यूल्स। He firstly observed small creatures in rainwater, then confirmed these in saliva, vinegar, infusions and other substances. The progress in understanding the nature and importance of these tiny organisms has been slow. The existence of microbes was further confirmed by Louis Pasteur's work. Pasteur went on making many discoveries in the field of microbiology and medicine. His main achievements are the development of vaccine for diseases anthrax, fall cholera and rabies. He has also made significant contribution in development of pasteurization process and development of fermentation industries. He proved that microorganisms could cause disease. तो ये एक हिस्ट्री है, डिस्कवरी है, इसमें कुछ ज़्यादा हम डिटेल में जाने वाली इसमें डिस्कशन नहीं है, ये जस्ट एक हिस्ट्री के तौर पर है। अब जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, इसमें अगर आप देखें तो रॉबर्ट कोच फॉर्मुलेटेड द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। ही आइसोलेटेड टिपिकल रोड शेप्ड बैक्टीरिया विद स्क्वेरिश एंड्स बैसिलाई फ्रॉम द ब्लड ऑफ शीप दैट हैड डाइड ऑफ एंथ्रैक्स। देन ही डिस्कवर्ड बैक्टीरिया दैट कॉज ट्यूबरक्लोसिस एंड कॉलरा। ही फॉर्मुलेटेड 4 पोस्टुलेट्स विच आर द मेन पिलर्स ऑफ द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। दीज आर यूज टू फाइंड आउट वेदर द ऑर्गेनिज्म फाउंड इन डिजीज लेजेंस इन द कॉजल एजेंट ऑफ द डिजीज और नॉट। तो फर्स्ट ये है, स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म कैन ऑलवेज बी फाउंड इन एसोसिएशन विद अ गिवन डिजीज। कि जाहिर सी बात है, जिस पेशेंट में डिजीज है उसमें से आपको उसके लेजेंस या उसके जो पैथोजेंस हैं वो मिल सकते हैं, वो एक सोर्स है उसका। द ऑर्गेनिज्म कैन बी आइसोलेटेड एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर इन द लेबॉरेटरी। तो वो जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम प्योर कल्चर उसका जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं लेबॉरेटरीज के अंदर, और ये भी स्पेसिफिक होता है, हर एक का हम नहीं कर सकते। द प्योर कल्चर विल प्रोड्यूस द डिजीज व्हेन इनोकुलेटेड इनटू ससकेप्टेबल एनिमल। तो जब भी आप वो प्योर कल्चर किसी ससकेप्टेबल एनिमल में इंट्रोड्यूस करवाएंगे, इनोकुलेट करवाएंगे, तो वो जो है वहाँ पर डिजीज कॉज करेगा। It is possible to recover the organism in pure culture from experimentally infected animal. Koch and his colleagues invented many techniques concerning inoculation, isolation, media preparation, maintenance of pure cultures and preparation of specimens for microscopic examinations. तो ये एक जनरल उसकी डिस्कवरी बताई हुई है थोड़ी सी, और ये जितनी भी हमने सारी बातें की हैं इनको अब आगे वाले टॉपिक्स हैं उनमें हमने डिटेल के अंदर डिस्कस करना है। इवन हम बैक्टीरिया के अब साइज, स्ट्रक्चर और जो उसकी न्यूट्रिशन, रेप्लिकेशन और रिप्रोडक्शन ग्रोथ, इवन उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं और साथ में जो है वैक्सीनेशन का प्रोसेस कंट्रोल किस तरह से किया जाता है, फिजिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स, सारा इसको जो है अगले जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ये एक बेसिक डिस्कवरी के तौर पर टॉपिक जो था फर्स्ट था, तो ये हमारा यहाँ पर जो है वो क्लियर हुआ। ओके, थैंक्स।